इतना झूठ बुलाया मुझे कि हम कहीं जा रहे हैं। आई एम सेलिब्रेटिंग माय 27। हम पूरे फंस चुके हैं, बीच रोड में खड़े हैं, कर रहे हल्दी मसाले वाली। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो अभी मेरा बर्थडे स्टार्ट होने में 20 मिनट बाकी हैं और मेरे पति ने मुझे उठा दिया, मतलब सौरन ने मुझे उठा दिया। मैं सो चुकी थी आज पहली बार जल्दी। अब मैं अपना जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, मतलब बाल बना लेती हूँ बस, और देखती हूँ क्या करना चाहते हैं आज। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। मैं बहुत देर से अंदर बैठी हूँ और कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ जा रहा है, कभी स्पीकर उठ रहे हैं, कभी मतलब ऐसा क्या था। मैंने बोला कहाँ जा रहे हैं, मुझे पहले बोलते कोई आ रहा है, अब बोल रहे किसी के घर जा रहे हैं। मतलब हम जा कर रहे हैं, मुझे तो बता दो भाई, कपड़े भी तो बदलने होते हैं, नाइट सूट में जाऊंगी मैं। हाँ, लड़कियों की फीलिंग्स नहीं समझते लड़के। देखो इट्स माई फेवरेट सौरभ की आना, मुझे बहुत पसंद है। मतलब ऑलवेज मेरा ड्रीम था कि मैं अपने रूम में ऐसा लगाऊंगी, जो कि मेरे पति ने पूरा कर दिया। चलो कभी कभी तो सुन ही लेते हैं पति लोग, अब देखो पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। वैसे अभी तक मैं एक्साइटेड नहीं थी, इनसे गुस्सा थी कि ये कुछ कर नहीं रहे। तो अब देखती हूँ मतलब क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला। कॉल आ चुका है। हाँ तो क्यों विश कर रहा है? पहला कॉल आ चुका है, अब रिया का कॉल आ रहा है। मैं रिया का भी फोन उठा रही, रुक मेरा पहला है, रुक। किसके साथ दीजिए बटन? दोनों भाई बहन लड़ लो जी भर के। हैप्पी बर्थडे टू यू, चुप रह तू। बर्थडे टू यू, हाँ कौन है कॉल पे? कॉल पे शुभम, शुभम हमारा। हाँ सुन रहे हैं सारी बातें तेरी, मैं बोल तो रहा हूँ। मम्मी की चुगलियाँ करती रहती है रिया की सास की। रिया तेरे को बोल रहे हैं, पहले देखते हैं क्या है। ऐसे देखते गिफ्ट और क्या, खुद ही खोलते हैं। तुम दोनों बाद में फोन करोगे? अब पागल बना रहे हैं सच में, ऊपर लेके जा रहे हैं। वैसे आज आपको व्लॉग बनाना चाहिए ना कि मुझे? क्यों क्या बनाना है? व्लॉग मैं बनाऊ, मतलब अपने उसका है। ये कब हुआ हादसा? हादसा ये कब हुआ? कौन सा हादसा? ये कब किया? क्या किया भैया ने? किया किसने? किया तुम तो नीचे थे। तो कोई आया था? इतना झूठ बुलाया मुझे कि हम कहीं जा रहे हैं। ये देखो यहाँ जा रहे हैं, इतना कैसे कर लिया मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा ये कब हुआ घर में रहते हुए। नाइस, बहुत दूर तक डेकोरेशन है, मैं आपको दिखा के आती हूँ। देखो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पति ने कुछ किया मेरे लिए। अपनी प्यारी शक्ल दिखाना, सिर्फ मम्मी को ही खुशी हो रही है मेरे बर्थडे की। ये शर्माने में थोड़ा व्यस्त है दोनों। सारा कुछ करवाया किसने ये? फिर कमेंट भी करना, शेयर भी करना।
ज्यादा से ज्यादा इन सबको लाइक कैसे लाइक करना है? ऐसे लाइक करना है, ऐसे लाइक करना। सो मैं रेडी हो रही हूँ, हमें मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, और आप सबकी डिमांड पे मैं बना रही हूँ अपना बर्थडे व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगेगा, एंड देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। बाकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना बुरी बात होती है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। अभी मैं रेडी हो रही हूँ एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ, एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वैसे मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे रात को भी नहीं पता था कि ये सब मेरे घर पे रहते हुए ऊपर डेकोरेशन होगी, और मुझे यही नहीं पता क्या बीवी बनूंगी मैं, क्या बीवी बनूंगी। तो हम निकल पड़े हैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ज्यादा हो गया ना, इतने सड़े जवाब क्यों देते हो आप मुझे? देखो गाइस, जो लोग समझते हैं कि शादी के बाद जिंदगी अच्छी हो जाती है, तो वो कंगना रनावत को वो डायलॉग जरूर सुन ले। वो झंड वाला बोलती है पहले मेरी जिंदगी, क्या ऐसे करके कुछ बोलती नहीं है, झंड कर दी इससे मेरी जिंदगी का ये वाली। आई एम जस्ट किडिंग, सीरियस मत ले लेना, फिर नीचे कमेंट करोगे ऐसे वैसे फलाना। बहुत मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा वाला कुछ भी नहीं है, मैं मजाक करती रहती हूँ बस। तो नीचे कमेंट करके मुझे वो मत करना, मतलब क्या कहते हैं उसे, सिंपति मत देना। ठीक हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, मैं बस ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। लड़े भिड़े ना तो क्या फायदा, एक दूसरे को मुंह उतारते रहो, फिर बस खुशी प्यार से जिंदगी निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़ना झगड़ना भी चाहिए। क्या चाहिए, क्या है, बस किसी को सुनती नहीं आपकी बातें, बहुत कंप्लेन आती, क्या है, फैक्ट है, मैं इनकी वो क्या हूँ, बीवी के सिवा भी ट्रांसलेटर हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम, पता ही नहीं, अभी घर से निकले हैं, देखते हैं कहीं तो पहुंचेंगे। बिना प्लान का बर्थडे मनाएंगे आज हम, क्योंकि मुझे उम्मीद तो है नहीं इनसे। तो इन्होंने मुझे एक गिफ्ट किया है, दिस लॉकेट, वैसे आप देख ही लोगे, पहन भी लिया मैंने, ऐसी चीजें तो आप एक मिनट लगाते हैं। बताओ गाइस हम कहाँ हैं, आइडिया, बारिश आने वाली है, हमारा रात का प्लान खराब हो जाएगा अगर बारिश आ गई तो, क्या करेंगे फिर, इतना शरीफ है ना मेरा पति, देखो। सुनो एक कॉम्प्लीमेंट दो आज सब जनता के सामने, क्या, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। फ्लर्ट कर रही हूँ इनके साथ में ना, बोर हो रही हूँ, कुछ तो करूँ, क्या है यहाँ पे वो लड़का, क्यों हाई कर रहा है, किसको क्या दिख गया, कौन सा स्टार दिख गया इसको, क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए, स्कूल से आया बच्चा, फॉरनर है कोई, वीजा लगवाने आया है, जब दिन खराब हो तो क्या कर सकते हैं, इतना बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोचा उतना कल्याण हो गया, और हमारी टायर हो गया पंचर, और अब हम बुरे फंस चुके हैं, बीच रोड में खड़े हैं, कर लो बर्थडे सेलिब्रेट, आप सबको व्लॉग चाहिए था ना, ले लो व्लॉग, मतलब मेरी कोई चीज़ हो, कोई नमक मसाला ना डले तो भगवान जी बोलते हैं ले बेटा, ऐसे कैसे हो सकता, रोता हुआ, ठीक है चलो वो तो सही हो गया, एंगेजमेंट हुई तो तुम लोग लेट आओ हो गए थे, है ना, फिर क्या हुआ हमारा कॉकटेल हुआ, कॉकटेल पे हम लेट थे क्योंकि जाम लगा हुआ था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद शादी पे जाम लग गया, तो पूरे रोड से सब लोग किलो किलोमीटर अकेले मतलब जा रहे पैदल पैदल चल के आए, तो मुझे अब तक गालियां देते कि तेरी शादी हम कभी नहीं भूलेंगे, और उसके बाद भी कुछ न्यू ईयर हुआ तो इनके दोस्तों की आपस में लड़ाई होगी। और आज मेरा बर्थडे है नहीं, फिर रिया की शादी थी तो वहाँ पे मैं लेट पहुँची रिया के गिफ्ट के चक्कर में, और रिबन रुबन कटने वाला था, बस मैं उसी एंड मौके पे पहुँची, और आज मेरा बर्थडे है तो भगवान बोलता बेटा हमेशा नमक मिर्च खा के आपको ज़्यादा तीखी चीज़ें पसंद है, तो लो बेटा
आज भी रह नहीं जाना चाहिए कुछ, तो आज हमारा टायर हो गया पंचर और हम यहाँ बैठे वेट कर रहे हैं। जितनी जल्दी करो उतना लेट, भर भर के कंटेंट चाहिए लोग, मैं दूंगा भगवान जी मतलब हमारे कंटेंट के लिए बैठे हुए। सही में कुछ ना कुछ होता है कि कंटेंट ले ज़्यादा ही हो जाता है, भगवान जी इतना अच्छा कंटेंट मत दिया करो, हम खुश हैं सही सलामत जाने दिया करो हमें। और मैं एक बात बोलना तो भूल ही गई, जब हम प्री वेडिंग पे गए थे तो हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी, मतलब कुछ रह नहीं जाना चाहिए कुछ ही चीज़ में, कोई नमक मसाला रह नहीं जाना चाहिए। भगवान जी पता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं, प्री वेडिंग पे गए पहली फ्लाइट वो कैंसिल, मतलब मैं जो भी पहली पहली बार करूंगी वो मतलब कैंसिल हो जाएगा क्या ऐसा कर, मतलब भगवान जी आपको मतलब ऐसा ही करना है मेरे साथ में। उसके बाद शादी हुई थी तो जाम लगा दिया, कहाँ जाऊँ मैं इतनी मुश्किल बाद। मुझे लगता है उम्मीद जाग रही है कि हमारी गाड़ी ठीक होने वाली है, तो रोना आ रहा है मुझे, मेरा ये मेरी ड्रेस सारा कुछ खराब हो गया। एनीवे जो होता है अच्छे के लिए होता है, आई थिंक कुछ अच्छा ही होगा शायद, वहाँ जाना हमारे लिए सेफ नहीं होगा या कुछ बुरा होने वाला होगा तभी नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, हम हमारा बर्थडे फिर बना लेंगे। दैट हाउस आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे गाइस, आपको बहुत एक्साइटमेंट थी ना, मेरी एक्साइटमेंट लेवल भी इतनी थी और जो अब ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल, आंसुओं में बह चुकी। फाइनली हमारी गाड़ी हो गई ठीक, आज का दिन और ये बर्थडे मैं लाइफ टाइम याद रखने वाली हूँ, और मेरे साथ में मेरा पति भी कभी नहीं भूलने। बहुत बुरा घटा है, बहुत बुरे फंसे आज तो, बहुत ज्यादा बुरा फंसे थे हम, बट कोई बात नहीं, घर जा रहे हैं अब, हम घर जाके एंजॉय करेंगे अब हम, है ना, फाइनली फाइनली आज एंजॉय करेंगे, अब हम एंजॉय करके दिखाएंगे, क्योंकि वैसे हम थक जाते ना वहाँ जाते तो, वहाँ घर जाके ना अच्छे से एंजॉय करेंगे। बेस्ट बर्थडे गिफ्ट फॉर एवर माय चांद सितारे मैंगो मस्ती। L, I ordered M. My saab. धन्यवाद। घटेगा नहीं उठाना वाला है यार, ऐसा मत करो, काटने वाला ही तो कटने वाला ही, तो ऐसे भी कह रहे कटने वाला नहीं आप पे गाले करी कोई किसने लोड निकलान दी किसी ने मुझे लोड पैदा निकलाया मैं इसलिए तो पूछा आप कौन सा था ये तो डाल लगा ये डाल लो अगले साल डाल अब भी हाँ डाल दो अब क्या करेंगे अब तो हो गया बर्थडे काट लिया अपने केक को कोई काम नहीं आ रहा क्या चाचा तुम्हारा देख के चूज करना चाहिए था ना चाची इस पे चाची मेरा पेपर तो नहीं पैदा हो गया मेरी मम्मी की कब रोक रहा है पकड़ ले हैशटैग सासू माँ का प्यार बुद्धि गर्ल पीछे मोड़ो ना मां
बच्चा पार्टी टाइम और बड़े दिन बाद आइए, तुम तो फोर्टी शिफ्ट हो गए हो।